नमस्कार, जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और लगातार तमाम सियासी पार्टियां जो हैं अपने दुरंधर खिलाड़ियों को मैदान में उतार रही हैं। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। भाजपा द्वारा पहले ही नामांकन पत्र जो है वो दाखिल कर दिया गया है और डोडा से आने वाले आज़ाद उम्मीदवार स्वर्णवीर सिंह जराल जो द्वारा भी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है। कल तस्वीरों में आप साफ साफ तौर पर देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरगना गुलाम नबी आज़ाद साहब कल यहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां से कठुआ के जिला महासचिव अर्जुन सिंह को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं और जहां से जो यहां के प्रत्याशी हैं जो इंद्रवल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं 2002 से लेकर 2018 तक वहाँ से MLA रह चुके हैं, एक दुरंधर खिलाड़ी हैं जिन्हें इस बार मैदान में उतारा गया है। जाने की GM सरूरी जो है कल नामांकन पत्र जो है कठुआ उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से भरने जा रहे हैं। कल एक भव्य कार्यक्रम जो है कठुआ में आयोजित किया गया है, पूरी डिटेल भी आप लोगों तक साझा करेंगे और साथ ही में आपको पंडाल भी दिखाएंगे हम कि पंडाल में जो इस समय तस्वीरें हैं जो है वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर आयोजन जो है वो किया गया है। यह पंडाल की आप तस्वीरें देख रहे हैं, मैं सहयोगी को कहूंगा कि आपको जूम करके भी तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर लगभग 6 से 65 तक की कुर्सियाँ जो है अभी तक यहाँ पर लगा दी गई है और ये आंकड़ा जो है यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों का 10 से 12 हज़ार तक का बताया जा रहा है। पोस्टर जहाँ पर लगाए जा रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब कल कठुआ में पहुँचने वाले हैं, यहाँ पर पूरी भव्य तैयारी जो है यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरह से यहाँ पर तैयारियों का दौर जो है अभी भी शुरू है और कल जो है आपको पूरी डिटेल्स भी हम आप लोगों तक साझा करेंगे कि कल करीब 12 बजे कालीवड़ी चौंक से ये रैली जो है वो निकलेगी। पहले जो है नामांकन पत्र भरने के लिए कठुआ के कालीवड़ी चौंक में सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद जो है DC कार्यालय वहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद उसके साथ GM सरूरी और कठुआ के ज़िला जितने भी यहाँ पर उनके लोकल नेता हैं वो भी वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद रैली को जो है यहाँ पर लाया जाएगा। जाने की कल कठुआ के दशहरा ग्राउंड में एक बड़ी रैली जो जनसभा को जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब संबोधित करेंगे और उसके साथ साथ GM सरूरी जो यहाँ से प्रत्याशी होने वाले हैं कठुआ उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से वो कल यहाँ से नामांकन पत्र भरेंगे और साफ तस्वीरों में आपको जाते भी हम दिखाएंगे कि वहाँ पर हम स्टेज का भी रुख करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियों का दौर जो है अभी भी यहाँ पर शुरू है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस रैली को जो है यहाँ पर सफल बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि एक लोकल कार्यकर्ता जो है गोविंद सर से आते हैं हमारे मक्खन जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे। मक्खन जी, क्या कहेंगे, तैयारी किस तरह से चल रही है? बड़ी जोर से तैयारी चल रही है हमारी। अभी हमारे माननीय सबसे प्रिय नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब जी कल कठुआ में ये जनसभा करेंगे और साथ में हमारे जनाब श्री कठुआ उधमपुर से कैंडिडेट जो है जनाब GM सुरी साहब भी कल अपना नामांकन पत्र भरेंगे। और मैं कितने लोगों के पहुंचने की आप यहाँ पर उम्मीद रखते हैं? कम से कम 10,000 लोग से प्लस अब होगा क्योंकि हमने यहाँ पर 8,000 प्लस कुर्सी लगा चेयर लगाई हुई है। तो कठुआ जबकि जनता से ये अपील है कि वो बढ़ चढ़ कर हमारी इस जनसभा को में आए और श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब को कामयाब करें। उनकी कामयाबी हमारे जम्मू की कामयाबी है और हमारे हितों की कामयाबी है। बिल्कुल, थैंक यू। आपने यहाँ पर मक्खन जी को सुने और आपने यहाँ पर देखा तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर भव्य जो है कार्यक्रम का आयोजन कल किया जाना वाला है और यहाँ पर GM सरूरी साहब को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी कुर्सियाँ लगी हैं आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा आयोजन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे जैसे जिस तरह से कार्यकर्ता जाने की मक्खन जी ने बताया है कि यहाँ पर 8,000 से प्लस कुर्सी जो है उसका अरेंजमेंट जो है यहाँ पर किया गया है और इसी के साथ साथ 10,000 से ज़्यादा लोगों की पहुँचने की उम्मीद जो है वो भी लगाई जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पंडाल जो है पूरी तरह से सज चुका है, स्टेज जो है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से सज चुकी है और कल 12 बजे जो है यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद कठुआ में पहुँचने वाले हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर नामांकन पत्र जो है वो कल भरने जा रहे हैं और परसों जो है जहाँ पर जाने की कांग्रेस द्वारा भी चौधरी लाल सिंह जो है वो नामांकन पत्र जो है भरेंगे। उसके साथ ही यही कार्यक्रम जो है जाने की कल तो यहाँ पर रहेगा। उसके साथ साथ परसों भी यहीं पर ही एक कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भव्य कार्यक्रम कल आयोजित होने वाला है। यहाँ पर तमाम कुर्सियाँ भी आप देख सकते हैं कि स्टेज पूरी सज चुकी है और लगातार यहाँ पर तैयारियों का दौर जो है इस समय भी जारी है। जाने की एक भव्य कार्यक्रम जो है कठुआ के रामलीला ग्राउंड में कल आयोजित जो है कल यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीडिया की कुर्सियाँ जो है वो भी यहाँ पर सज चुकी हैं और उसके साथ साथ अन्य जो यहाँ पर VIPs रहने वाले हैं उन लोगों की भी यहाँ पर कुर्सियाँ रह चुकी हैं और साथ ही में आप पूरा तस्वीरें आप यहाँ से देख रहे हैं वीडियो के विजुअल्स के माध्यम से कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग जो है कल यहाँ से जुड़ने वाले हैं और एक भव्य कार्यक्रम जो है कल कठुआ के रामलीला ग्राउंड में होने वाला है। एक बार फिर से आपको डिटेल्स आप लोगों के साथ साझा कर लें कि कल 12 बजे जो है जितने भी गुलाम नबी आज़ाद के समर्थक हैं वो कल कठुआ में पहुँचेंगे। 12 बजे
जहाँ पर कालीबड़ी चौक में ये रैली जो है जहाँ से निकलेगी, उसके बाद जो है डीसी कठुआ के पास वो नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करने के लिए जाएंगे, और उसके बाद जो है जहाँ पर रामलीला ग्राउंड में एक जनसभा को गुलाम नबी आज़ाद और उसके साथ साथ जीएम सरूरी जो है संबोधित करेंगे। हमारे साथ जिला महासचिव डीपीएपी के अर्जुन सिंह जी भी हैं, उनके भी आप बोल सुनिए कि क्या उनका इस रैली को लेकर कहना है। नमस्कार, सबसे पहले मीडिया बंधु, हमारे माननीय जम्मू कश्मीर की शान, जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े नेता गुलाम नबी आजाद साहब कल कठुआ में आ रहे हैं, और हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के कैंडिडेट जीएम सरूरी साहब का कल नॉमिनेशन है, वो कल अपना नामांकन भरेंगे, और भारी संख्या में रामलीला ग्राउंड में हम कठुआ की तमाम जनता से अपील करते हैं कि वो सरूरी साहब को समर्थन करें, और भारी संख्या में रामलीला ग्राउंड में आए और आजाद साहब के विचारों को सुने, सरूरी साहब के विचारों को सुने। डेमोक्रेट प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो लोगों की समस्याओं का हल कर सकती है, और सरूरी साहब ऐसे नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, जो पिछले कई दशकों से एमएलए बनते आए हैं और कभी आज तक हारे नहीं। उन्होंने भरपूर लोगों की सेवा की है, और भिन्न भिन्न जगह पे वो मंत्री रहे हैं, भिन्न भिन्न पदों पे वो मंत्री रहे हैं, कैबिनेट में भी रहे हैं। उन्होंने जितना कार्य लोगों की भलाई के लिए किया, मैं कहता हूँ इतना किसी भी मंत्री ने आज तक नहीं किया। तो खुली किताब है भाजपा वालों की, कांग्रेस वालों की, कि किसने लोगों के लिए किया है, जीएम सरूरी ने किया है या कांग्रेस वालों ने किया है या भाजपा वालों ने किया है। तो जो लोग इनसे फेड अप हैं वो हमारे साथ आएं और जीएम सरूरी को कामयाब बनाएं, और कल का जो हमारा कार्यक्रम है, और ये रामलीला ग्राउंड का पंडाल सज चुका है, आप देख रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ हमें जन समर्थन मिलेगा, और जीएम सरूरी साहब भारी मतों के साथ इस लोकसभा सीट को जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। सबसे पहले तो कालीबड़ी में वहाँ पे हम एकत्रित होंगे जी। कुछ लोग हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे एकत्रित होंगे, आजाद साहब का वहाँ स्वागत किया जाएगा, जीएम सरूरी साहब का स्वागत किया जाएगा, जम्मू से आरएस चीफ साहब आएंगे, पूर्व मंत्री जुगल किशोर जी आएंगे, साथ में हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम भी होगी। तो उसके बाद वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे और हम रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी रैली को यहाँ संबोधित करेंगे, और आजाद साहब आएंगे और बड़ी तादाद में लोगों को वो संबोधित करेंगे, अपने विचार रखेंगे, और डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या विजन है उसके बारे में लोगों से बात करेंगे।